हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव टू इंटीग्रेट एक्स अपॉन ई पार एक्स प्लस ई अपॉन ई पार एक्स इंटू एल एन एक्स डी एक्स। आई हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल। तो बेसिकली जब हम किसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हम जनरली किस थीम पे काम करते हैं? हम जनरली दो थीम पे काम कर रहे होते हैं, या तो फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन पे काम कर रहे होते हैं या फिर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ उसको सब्स्टिट्यूट करने पे काम कर रहे होते हैं, ताकि कुछ फंडामेंटल अपने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम उसको आगे फर्दर इंटीग्रेट कर पाए। जैसे अभी के हिसाब से इस प्रॉब्लम को देखो तो x अपॉन ई पार x कुछ ऐसे लिखा हुआ है प्लस e अपॉन x पार x इंटू एल एन x लिखा हुआ है। तो अभी तो क्या है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास क्या लॉजिक होना चाहिए? एक लॉजिक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन काम कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो मैंने एक काम किया, लेट x अपॉन ई यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ, तो मैंने किसी भी एक टर्म को से t अज्यूम करके देखा, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि आगे आंसर आने वाला है या नहीं आने वाला, जस्ट मैंने एक ट्राई किया x अपॉन ई पावर x को t अज्यूम किया। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। तो अभी के हिसाब से क्या है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, लॉग लिया बोथ साइड लॉग। तो बोथ साइड जब आप लॉग लोगे तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, आई कैन राइट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई, यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, और दिस इज लॉग टी, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। नाउ आई कैन राइट एक्स, यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स, लॉग एम अपॉन एन लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट लॉग एक्स माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, कुछ ऐसा लिख दिया, दैट इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी। और जो हमने अभी लॉग लिया हुआ वो बेस ई पे लिया हुआ है, तो यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी बेस ई है, और यहाँ भी बेस ई है। नाउ एक्स यहाँ कुछ ऐसा आ गया, लॉग एक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है। नाउ लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन आ जाएगी, और ये कितना लिखा हुआ है, लॉग टी बेस ई, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ तक कुछ ऐसा आ गया, अब उसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, यू इंटू बी, इससे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू इंटू बी मेथड लगा हुआ, तो एक्स को तो आपने बाहर निकाला, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंस कितना जाएगा, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस है वन अपॉन एक्स, वन का डिफरेंस जीरो आ गया, प्लस साइन। नाउ लॉग एक्स माइनस वन को आपने बाहर निकाला, एक्स का डिफरेंस कितना जाएगा, वन अपॉन एक्स आ गया, और ओवरऑल कितना आएगा, एक डिफरेंस एक्स का डिफरेंस डी एक्स, कुछ यहाँ ऐसे लिख दिया ना। लॉग टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्लियर, कुछ इस तरह से ही सिंप्लीफाई हुआ। अब एक और काम करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ तो क्या लिखा हुआ, वन अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये तो वन अपॉन एक्स हो गया, एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो वन आ गया, प्लस साइन। नाउ लॉग एक्स यहाँ लिखा हुआ है, माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है, इंटू में क्या लिखा हुआ है, डी एक्स, कुछ ऐसे आ गया, वन अपॉन टी डी टी, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वन से वन कैंसिल हो गया। ना अब ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या मिल गया, लॉग एक्स इंटू डी एक्स, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, डी टी अपॉन टी आ गया, ठीक। तो हमने क्या किया, एक्स अपॉन ई पार एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके हमने एक रिजल्ट यहां तक निकाल दिया। नाउ हम प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। तो प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखा है तो इस प्रॉब्लम को आप ऑब्जर्व करो, तो क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स डी एक्स, बेस ई लिखा हुआ है, एल एन एक्स ना, तो ये तो ये सारा पोर्शन तो किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो ठीक है, लॉग एक्स डी एक्स ये डी टी में चला जाएगा, इसको हमने टी अज्यूम किया हुआ है, ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो नाउ व्हाट वी गेट, टी प्लस वन अपॉन टी, और दैट इज लॉग एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी वाई टी, कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ इसको फर्दर इंटीग्रेट करना, अब तो क्या है, इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो गया, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा हुआ तो वन प्लस वन अपॉन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ऐसा कुछ लिख दिया। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, टी आ जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टी, प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, बाद में आप क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, टी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स अपॉन ई पार एक्स, यहाँ जब पुट करा हुआ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ई अपॉन एक्स पार एक्स प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। लॉजिक सिर्फ क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करना, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करना है ना।
ठीक है, ओके, थैंक यू।